हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों बाद हम लोग एक पॉडकास्ट वाली वीडियो ला रहे हैं एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट एंड हिज नेम इज अभय एंड ही हैज क्रैक्ड अ वेरी गुड कंपनी। तो उसका नाम है जस्ट पे एंड ही हैज ग्रैब्ड इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम। तो इसका हम लोग पूरा इंटरव्यू प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। बिकॉज अभी जस्ट पे की तरफ से बहुत सारे हायरिंग्स हो रहे हैं, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों ही हो रहा है। तो आई गेस तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस वाले वीडियो से, राइट? और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल का प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहो पूरे लास्ट तक, राइट? एंड अगर तुम लोग चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो या लेट्स बिगिन। तो या हाय अभय, एंड प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। ओके, सो हाय योगेश। तो बेसिकली कुछ लोग मुझे जानते होंगे शायद LinkedIn पर ऑलरेडी। तो बेसिकली माय इंट्रोडक्शन स्टार्ट विद Like my name is Abhay Singh and I'm a BTech third year engineering student. Currently I'm in sixth semester and recently or previously I've worked with various few firms like Hacker, DoSelect, iMocha and Apni Kaksha as well as a problem setter, and right now I'm working as an SD intern in JustPay and also holding an offer from PPO from JustPay for SD role. That's great. That's all for me. तो यार ये बंदा भी थर्ड ईयर में और ये मतलब जस्ट पे निकाल चुका है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कांग्रेचुलेशन ब्रो। और मतलब बहुत सही है, बहुत सही। तुम थर्ड ईयर में हो, तुम अभी निकाल चुके हो एंड इंटर्न अभी तुम स्टार्ट कर दियो आई गेस, राइट? हां, इंटर्न स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो लाइक टेल आवर ऑडियंस लाइक हाउ यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, वेदर इट वाज एन ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, कैसे तुम्हें मिला ये? ओके, सो बेसिकली ये एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों का प्रोसेस सेम होता है। जनरली 5 राउंड्स होते हैं बेस्ड अपॉन दी कॉलेज और बेस्ड अपॉन वॉट एवर, लाइक क्योंकि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में ही 5 to 6 राउंड होते हैं। तो पहला राउंड स्टार्ट होता है हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट से, जिसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन होते हैं। मेरे केस में 3 क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन ग्राफ और ट्री के ऊपर बेस्ड थे और मेरे उसमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीट और 1 पार्शल हुआ था। तो मैं सेकंड राउंड में गया। तो सेकंड राउंड बेसिकली एक हैकाथन होता है जिसको मैं 2 पार्ट में मतलब तोड़ रखा है इन्होंने ऑलरेडी, तो इनको मैं अलग अलग राउंड में मान ले रहा हूँ। तो पार्ट ए बेसिकली होता है जिसमें तुम कुछ डेवलप करते हो, डिजाइन करते हो, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता, तो ये कुछ ऐसा होता है। और सेकेंड पार्ट में हम वही पार्ट ए जिसमें हमने कुछ डेवलप किया था, जिसमें हमने कुछ कोड लिखा था, उसी को हम एक दूसरे कंस्ट्रेंट्स पर लेकर जाते हैं, कुछ बड़े कंस्ट्रेंट्स पर लेकर जाते हैं, लार्ज स्केल पर लेकर जाते हैं और हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स कि कुछ कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, तो उन कंडीशन के बिहाफ पे हम उस कोड को मॉडिफाई करते हैं। तो ये हैकाथन का पार्ट होता है। हैकाथन मोस्टली शायद मैं कहूँगा कि मैंने CPDSA की हुई है, तो मुझे फील था कि लाइक मैं हैकाथन तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरे केस में हैकाथन प्रॉपर DSA वाला था, क्योंकि हैकाथन के 2 तरीके ही होते हैं। पहला प्योरस्क्रिप्ट हैक्सकल के ऊपर हो सकता है और दूसरा एक ट्री ऑफ स्पेस चैलेंज है, वो बहुत फेमस है, तो ये भी होता है। तो मेरे केस में वो क्वेश्चन था ट्री ऑफ स्पेस का। और उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल इंटरव्यू डिपेंड करता है कि लाइक इंटरव्यूर के हिसाब से कि लाइक वो 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। मेरे केस में 1 hour 45 minutes का था, तो वो बेसिकली प्रॉपर सिस्टम डिजाइन एंड कोर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड था। सिस्टम डिजाइन मैं बोलूंगा कि लाइक बहुत बेसिक था, एकदम लो लेवल वाला। और मेरे से नेटवर्किंग पूछी उन्होंने और पजल भी था उसमें। पजल के केस में बोलूंगा कि फेमस गीग4गीज पर जाओ, उसके सेक्शन पर जाओ, वहाँ पर कई सारे हैं, उन सबको देख लो एक बार, तो ओवरव्यू एक बार आ जाएगा कि लाइक कि इस टाइप के होते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस जब एक बार आ जाती है तो हो जाता है उससे। और सिस्टम और हमने से ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, नेटवर्किंग पूछी गई, डेटाबेस पूछा गया, SQL की एक दो क्वेरीज पूछ सकते हैं। और क्वेरीज भले ही तुम्हारे क्वेरीज के क्वेश्चन भले ही ईजी हो सकते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में क्या चल रहा है वो पूछते हैं, लाइक ये क्वेरी काम कैसे करती है। तो ये मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू था। और उसके बाद कुछ लोगों का टेलीफोनिक HR हुआ था, कुछ का नहीं हुआ, मेरे केस में हुआ था। तो फिर HR आपको कॉल करती है और क्वेश्चंस पूछती है कुछ लाइक व्हाई शुड वी हायर यू और जनरल क्वेश्चंस। तो ये 5th राउंड था बेसिकली। तो ये ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस थी जस्ट पे की। मतलब टोटल 5 राउंड्स हुए थे, जिसमें से स्टार्टिंग में कोडिंग राउंड हुआ था, 2 हैकाथॉन वाले राउंड्स हुए थे, एक टेक्निकल और एक HR हमारा हो रहा था। तो सेम प्रोसेस भी हमारा ऑफ कैंपस में भी रहता, लाइक कितने ए सभी राउंड्स होते हैं ऑफ एंड ऑन बोथ सेम ही रहता। ऑफ कैंपस में मेरे को पता है लाइक 1 राउंड एक्स्ट्रा पड़ जाता है, जिसमें वो लोग शायद MCQs भी ऐड करते हैं। या पहला वाला राउंड MCQ तो वो भी तुम्हारा कोर सब्जेक्ट रिलेटेड ही होता है। सो लाइक तुम नाउ वी कैन सी लाइक तुम सारे राउंड्स में लाइक कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने घंटे का था, किस लेवल के प्रॉब्लम्स थे, किस टॉपिक में ज्यादा फोकस किया गया था, वो सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द राउंड 1। लाइक पहला कोडिंग राउंड तुम्हारा था, तो कैसे कैसे टॉपिक्स थे एंड ऑल?
ओके सो कोडिंग राउंड जो पहला कोडिंग राउंड था उसमें तीन क्वेश्चन थे। तीन ही क्वेश्चन मैं कहूंगा कि लाइक काफी सही लेवल के थे, लीड कोड मीडियम से थोड़ा ऊपर, और सीपी में नहीं कहूंगा कि लाइक सीपी बेसिस पे थे, लेकिन हाँ लीड कोड मीडियम लेवल अगर जिस बंदे ने की रखी है तो उसका हो सकता है। तो दो क्वेश्चन मेरे को ईजी लगे तो वो मेरे हो चुके थे बहुत आसानी से 20 मिनट के अंदर। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में वो बेसिकली मैं वो हिंट नहीं पकड़ पा रहा जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था, तो मेरे उसमें पार्शियल हो रहा था, वो 6 टेस्ट केस पास हो रहे थे, 4 नहीं हो रहे थे, तो वो एंड तक मैं नहीं कैच कर पाया था तो वो मेरा छूट गया। और ये बेसिकली डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं थी उसकी, लीड कोड मीडियम प्लस बोलेंगे और हार्ड से थोड़ा कम, दो क्वेश्चन मीडियम लेवल और एक हार्ड क्वेश्चन था जो थर्ड वाला था क्वेश्चन, ऐसा लेवल ओके था। ओके और टॉपिक्स क्या पूछे गए थे, लाइक किस टॉपिक्स में ज्यादा फोकस था? टॉपिक जनरली वो दोनों ही क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग के वो दोनों ट्री के ऊपर थे, थर्ड वाला क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर था। ओके तो लाइक मैं भी देखा हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक ट्री, ग्राफ, रिकर्जन, डीपी, ये टॉपिक सब छोड़ देते हैं। लाइक मैं मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ कि स्टार्टिंग सारे टॉपिक्स करेंगे, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग सब करेंगे, बट ये टॉपिक्स में आते ही सब छोड़ने लगते हैं। तो मैं यार सारे ऑडियंस को बोलूंगा, बिकॉज ये चार जो टॉपिक्स है, रिकर्जन, डीपी, ग्राफ, ट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये मैक्सिमम इंटरव्यू तुम मान के चलो ये पूछा ही जाएगा, तो यार इसे छोड़ना नहीं है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लीनियर टॉपिक है। टॉपिक जो भी होते हैं ना, लाइक लीनियर डेटा सेट वाले टॉपिक्स, लाइक कोई हो गया एरे स्टैक प्रायोरिटी क्यू वाले, तो उनमें ना जनरली होती है कि लाइक डीबी वगैरह जोड़कर पूछ देते हैं, लेकिन नॉन लीनियर वो अकेले इतने काफी है कि लाइक वो ग्राइंड हो सकते हैं उसमें आसानी से, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब यार। तो यार ऑडियंस प्लीज वो सब टॉपिक्स मत छोड़ना, क्योंकि लाइक मैं भी बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ, तो मेरे से वो सब टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं। तो लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बंदा भी बोल रहा था, लाइक बहुत लोग से मैं सुना हूँ कि ये सारे चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज यार करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो या द नेक्स्ट राउंड वॉज योर हैकाथॉन वाला पार्ट, विच वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था? लाइक नॉर्मल कोडिंग पूछा गया कि डेवलपमेंट रिलेटेड था, क्या था उसमें सीन? हैकेथन बेसिकली मैं कहूंगा कि रोल बेसिस पे होता है कि लाइक जिस बंदे का जैसा रोल होता है उसके यहाँ पे हैकेथन होता है। तो मेरे केस में हैकेथन था एक प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो कि ट्री ऑफ स्पीच प्रॉब्लम है, वो फेमस प्रॉब्लम है लेकिन उसके काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है वो, तो उसमें हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स के यहाँ पे प्रॉपर एक ट्री बनाना होता है और एक अच्छा सा कोड लिखना होता है, और उसके टेस्ट केसेस काफ़ी हार्ड होते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। लाइक उससे तीन पहला राउंड जो था वो 3 घंटे का था, तो उसके में एक ट्री ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था, सिर्फ वही था, और मैं पूरा कोड फ्रॉम स्क्रैच से बनाना था और टेस्ट केस पास होने थे, तो मेरे उसमें सारे टेस्ट केस पास हो चुके थे। और हैकेथन का जब पार्ट बी स्टार्ट हुआ तो सिमिलर केस में होता है, लाइक ट्री ऑफ स्पेस से ही स्टार्ट होगा वो, और ट्री ऑफ स्पेस में जो पहले हमने कोड किया था इस हैकेथन राउंड बी, ये बेसिकली होता है एक कोडेथन जिसमें क्या होता है कि 8 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, 7 to 8 hours, जिसमें एक मेंटर असाइन होता है हमें, और वो मेंटर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि अब हमें ना हैकेथन में, इस वाले हैकेथन में, कोडेथन में हमें ना अपने ट्री ऑफ स्पेस वाले कोड को कुछ लार्ज स्केल पे लेके जाना पड़ता है, लाइक कुछ होता है तो वो नहीं बता सकता मैं क्या होता है, लेकिन कुछ होता है कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देते हैं वो कुछ और, जिसके व्यापार में उस कोड को मॉडिफाई करना होता है। तो कई बार कुछ लोगों को वो चीज़ें आती होती हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है, मेरे केस में मुझे नहीं आती थी, तो मेंटर काफ़ी हेल्पफुल था, लाइक बढ़िया, एकदम बढ़िया, तो उसने बहुत हेल्प करी मेरी कि लाइक क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बेसिकली मेंटर कभी आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, वो आपके मुंह से वो आंसर बुलवाएगा कि लाइक क्या हो सकता है पॉसिबल वेज, He will try तो to वो give you all सोचने the पर hints, right? वही वो हिंट करेगा कि लाइक हाँ ऐसा सोचो ऐसा सोचो, तो वो था। तो मेरा लाइक 8 घंटे का था अप्रोक्स, तो 6 घंटे तक मुझे कोई क्लू नहीं आ रहा था, लास्ट में मुझे कोई कोई क्लू आया, तो वो मेरा बेसिकली मैंने उनसे बोला कि हाँ ये पॉसिबल वे है, तो उन्होंने कहा ये वाला सही है, मैं उनको बाकी अपने पॉसिबल बात से बोल रहा था, तो उनमें हर किसी में एक फ्लॉज था कि लाइक ये हो सकता है इसके प्रॉब्लम कौन सा लग रहा है, तो कहते नहीं नहीं ये नहीं है उस, और सोचो ये नहीं है और सोचो, तो वो लास्ट तक हो गया, फिर हमें उसको पूरा कोड करना होता है, तो इफ ही इज सेटिस्फाइड तो फिर हम अगले राउंड में जाते हैं। तो मेरे केस में इंटरव्यूअर जो था मेंटर वो खुश था कि सेटिस्फाइड लाइक था। ग्रेट हाँ अप्रोच सेटिस्फाइड था। ग्रेट, तो बेसिकली बोल सकते कि दोनों में डीएसए ही पूछा गया, बट थोड़ा और ऑप्टिमल करते जाना था तुम्हें सॉल्यूशंस को, राइट? मतलब कोई डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं था इसमें। हाँ मेरे केस में डेवरेटेड नहीं था। या सो इन दिस हैकाथॉन वाला पार्ट वी वर हैविंग द डीएसए वाला पार्ट, बट थोड़ा ऑप्टिमाइज करना था, लाइक ए वाला पार्ट में जो कोड लिखे थे, बी वाले में थोड़ा तुमको और ऑप्टिमल करते जाना था, दैट्स इट, राइट? सो या दिस वाज रिलेटेड टू द हैकाथॉन पार्ट्स जो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। सो नेक्स्ट वाज योर टेक्निकल इंटरव्यू, राइट? सो उसमें कितने देर का इंटरव्यू था, क्या टॉपिक्स, डीएसए फोकस था कि कोर सब्जेक्ट फोकस था या प्रोजेक्ट फोकस थे, तो वो डिस्कस करते एक बार। टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली मैं बोलूंगा रेज्यूमे फोकस होता है कि लाइक जैसे आपने रेज्यूमे प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, जैसे आपके अचीवमेंट्स है उस भी पर वो क्वेश्चन पूछेंगे स्टार्टिंग में रेज्यूमे पर, वो पूरा ग्राइंड करेंगे आपको कि लाइक आपने क्या डाला है, क्यों डाला है, और ये अगर डाला है तो किस डेप्थ तक आपको आता है,
तो मैंने लाइक डाल रखा था कि लाइक मैं प्रॉब्लम सेटर हूँ कई कंपनीज में, लाइक अपनी कक्षा हैकर्स वगैरह। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि लाइक आप प्रॉब्लम सेट करते हो, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, टेस्ट केस चेक कैसे होते हैं, वैलिडेट कैसे होते हैं। तो वो ना लाइक डेप्थ में जाना उनको, और फिर मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी डेप्थ में वो गए। एक प्रोजेक्ट मैंने उसमें गिटहब यूआरएल नहीं डाला था, तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट शो करो मुझे। तो लक बाई चांस मेरे पास उस टाइम प्रोजेक्ट था, मैं उसी लैब को यूज़ कर रहा था, तो मैंने उनको शो किया कि लाइक ये प्रोजेक्ट है। और फिर उसके बाद हम नेटवर्किंग पर गए, उन्होंने नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चन पूछे, और लाइक कुछ डेली क्वेश्चंस होते हैं जो डेली अपडेट में, अगर एक हिंट दूँ लाइक अभी फेसबुक हुआ था डाउन तो क्यों हुआ था डाउन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे। एग्जैक्टली नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ पूछ सकते हैं कि लाइक क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, बैकएंड में क्या चल रहा होगा, फ्रंट एंड में क्या चल रहा होगा, इशू क्या हुआ होगा, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा बढ़े लोअर लेवल डिजाइन तक, उन्होंने पूछा कि लाइक क्या क्या होता है, और पजल भी पूछे थे उन्होंने। एक पजल पूछा था मेरे से, वो फेमस पजल है गीक फॉर गीक्स पर है, हॉर्सेस वाला कि लाइक, तो वो एक क्वेश्चन था। एंड डीएसएम में मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का सिर्फ मेरे से उसका कोड वर्ड नहीं लिखवाया था, सिर्फ अप्रोच पूछी थी। तो एक अप्रोच वो दोनों क्वेश्चन, हाँ बाइनरी सर्च और आंसर और बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन था दोनों क्वेश्चन, और ओके। फिर यही था बेसिकली ये इंटरव्यू। हाँ तो कितने घंटे का चला था ये वाला इंटरव्यू? ये वाला इंटरव्यू मेरे हिसाब से 1 आवर 30 मिनट्स तक तो था ही, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा बहुत चला था क्योंकि लास्ट में हम बातचीत पर आ गए थे, लाइक एक अच्छा खासा हेल्दी डिस्कशन चलता था इंटरव्यू अच्छा, के साथ। दैट वाज हाँ नाइस। तो लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा रेज्यूमे फोकस रहेगा, तो तुम यार जो आता है सिर्फ वो वाले पार्ट को रेज्यूमे में ऐड करना, अननेसेसरी टॉपिक्स हाँ ऐड मत करना, बिकॉज तुम जो ऐड करके रखे वो तुमसे डेफिनेटली पूछ सकता है, तो जो आता है भाई वही ऐड करो। या और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लाइक प्रोजेक्ट अगर डाल रहे हो तो गिटहब की यूआरएल जरूर डाल देना, वो हो करेक्ट, सकता है आपसे कहीं प्रोजेक्ट शो कर दो। क्योंकि लाइक क्योंकि अभी तो हाँ ऑनलाइन मोड में हो रहा है ना इंटरव्यू, तो हो सकता है कि तुम्हें कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हें शो करना होगा, तो या पहले होस्ट तो करना, बहुत लोग करते होस्ट ही नहीं करते हैं, या तो लोकल में भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट रेडी रहना चाहिए, जैसे तुम वो लिंक ओपन करके दिखा सको, हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। और प्रोजेक्ट नहीं, तुम्हारा जो रेज्यूमे है उसमें वही सब ऐड करो जो तुम्हें आता है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? सो या दिस वॉज रिलेटेड टू द टेक्निकल इंटरव्यू, एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट राउंड विच वॉज द एचआर राउंड, राइट? तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुए थे वो तुम बता दो। एचआर राउंड बेसिकली मेरा लास्ट में लाइक जब वो टेक्निकल इंटरव्यू हो चुका था, उसके बाद कॉल आई थी कि लाइक आपका ये राउंड क्लियर हो चुका है, एचआर राउंड होगा जो कि स्केड्यूल था कुछ नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, अब प्रिपरेशन का टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो मैंने कॉल आई, मैंने उठाई, पिकअप करी, और उन्होंने वो जनरल क्वेश्चन जो होते हैं कि लाइक वाई शुड बी हायर यू, और जो भी जनरल क्वेश्चन आप देखते हो लाइक इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि वाई शुड बी हायर यू, वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू वर्क विद अस, और वॉट आर दी चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड टिल नाउ, ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। इनके लिए मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो वह बोल नहीं पाते हो करेक्ट, लाइक। हाँ तो एचआर राउंड में मैं बोलूंगा कि लाइक बोलने वाली स्पीकिंग जो स्किल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड अपॉन कि लाइक क्या आता है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है कि लाइक समझा पा रहे हो बंदे को कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं, तो या ये इंटरेस्टिंग एचआर राउंड के लिए क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन ही होते हैं, लाइक टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चंस, तो वो सब थोड़ा प्रिपेयर करना आई थिंक बहुत पॉजिटिव होता है, बिकॉज कभी कभी होता है कि जो वो क्वेश्चन पूछ लिए वो मुझे लाइक इंस्टेंटली तो नहीं समझ आ रहा, बट मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ और लाइक समझ नहीं आता क्या बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट टॉप 20 टू 30 प्रॉब्लम्स, सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं, क्वेश्चंस को तुम थोड़ा प्रिपेयर करके रख लेना, जिससे अगर कुछ वो लोग दूसरे प्रॉब्लम क्वेश्चन भी पूछे तो तुम एटलीस्ट मतलब कुछ तो आंसर दे पाओगे, बिकॉज यू हैव सम आंसर्स इन योर माइंड, सम स्टोरीज इन योर माइंड, तो तुम कुछ ना कुछ तो बोल पाओगे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो या आई गेस उसमें तुम्हारा सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम बाबर मैं वो पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछे गए थे इन एचआर राउंड, लाइक व्हाई वी हायर यू एंड ऑल, तो दिस वाज लाइक वही एक्सपेक्टेड ही रहता है इन मैक्सिमम कंपनीज, सो आई गेस दिस वॉज द ऑल राउंड, राइट? और फिर कितने दिन बाद तुम्हें फिर पता चलेगा कि या यू हैव गॉट द फुल लास्ट राउंड होने के बाद मेरे को 2 दिन बाद मेरे को कॉल आई थी कि लाइक ये ऐसे ऐसे आपका हो चुका है, और ईमेल हमें बाद में आता है, तो 2 दिन बाद मुझे पता चला था। तो दिस वॉज रियली नाइस। तो तुम्हारा अब लाइक मैं पूछना तो कुछ और चाहता था, बट नाउ आई वॉन्ट टू आस्क अ न्यू क्वेश्चन कि अब तुम्हारा आगे का फ्यूचर प्लान क्या, लाइक नाउ यू हैव स्टार्टेड एज एन एसडी इंटर्न, राइट? तो तुम्हारा अभी 1 साल पूरा है, सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? डीएसए कंटिन्यू करना है कि तुम्हें लाइक इंटर्नशिप में फोकस करना है, क्या करने का मैंने तुम्हारा? डीएसए साथ में चलता रहेगा, क्योंकि डीएसए हम छोड़ नहीं सकते, वो पैरेलल ही चलेगा। और लेकिन जैसे जो चीज़ें मैंने कॉलेज टाइम पे छोड़ी थी, लाइक मैंने डेव छोड़ा है, तो मैं डेव यहाँ पर सीख रहा हूँ, लाइक मेरे को बैकएंड वगैरह फ्रंट एंड थोड़ा बहुत आता है लेकिन कम कम आता है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ें आती हैं तो पूछ सकते हो किसी से भी, क्योंकि सब हेल्पफुल है, बताते हैं,
मेंटोर है, SG1, SG2, SG3 सब बता रहे हैं, तो काफ़ी सही सीन है, लाइक सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और DSA तो साथ में चलेगा, पैरेलल ही चलाएंगे दोनों को, तो चलेगा अभी 1 साल तो तेरी प्लान है। या क्योंकि डीएसए छोड़ना नहीं है, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि डीएसए क्या होता है, तुम अगर मेरे को छोड़ दोगे तो उसे बस पिकअप करने में बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब भाई लाइक मतलब एक प्रॉब्लम ही बनाओ, बट एटलीस्ट डेली बनाओ जिससे तुम्हारा फ्लो में रहेगा एटलीस्ट। करेक्ट उससे सिंक टूट जाता है कि हम जो सिंक पर काम कर रहे थे वो सिंक टूट जाता है। करेक्ट करेक्ट। सो या दिस वॉज द थिंग। और लाइक मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ ये वाला कि लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ टू ग्रैब दिस ऑफर। तुमने कहाँ कहाँ से तुमने सीखा, कैसे कैसे तुम्हारा रोड मैप था, इफ यू विल एबल टू एक्सप्लेन दैट। मेरा जनरली रोड मैप कुछ ऐसा था कि एक मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था हैकरिंग से, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे मेरे पास लैप नहीं था, तो फ्रेंड का एक लैपटॉप मैं लेता था तो उसके थ्रू मैं करता था। तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, काफ़ी टाइम फ्री था, तो काफ़ी टाइम तो खैर वेस्ट हुआ उस टाइम पे, भी कुछ मालूम नहीं था कि लाइक क्या करना है, फ्रेश ही थे। तो एक ऐप खोला लिंक्डइन, वहाँ पर गए, देखा कि लाइक कई सारे लोग हैं मेरी बैच के हैं जो अचीवमेंट्स डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक फील आया कि अरे यार ये सब कर रहे हैं, मेरे को भी ट्राई करना है, तो सीखना स्टार्ट किया। फिर गीक फॉर गीक्स पे गया, हैकर ब्लॉग्स पे गया, तो कोडिंग वगैरह स्टार्ट की, हैकर्स वगैरह कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किए, पता पड़ा कि लाइक क्या चीज़ें होती हैं, तो धीमे धीमे ग्रेजुअली ग्रो करते गए। तो मैं उन लोगों से बोलूंगा जो टायर 3 या टायर 2 के भी हैं कि प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम पे भी कई सारे पेजेस हैं या फिर कम्युनिटीज हैं या फिर स्लैक पर भी हैं, तो उनको ज्वाइन करो, क्योंकि उससे ना कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, और जब लोगों को देखते हो कि लाइक वो बंदे ग्रो कर रहे हैं तो एक साथ में लगता है कि हम भी ग्रो करेंगे, तो वो एक कॉम्पिटिटिव वाला एक आता है एज, तो वो ज़रूरी है, तो वो काफ़ी सही रहता है। करेक्ट। सो या दिस वॉज हिज एक्सपीरियंस। आई गेस तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा इसके एक्सपीरियंस से। और लाइक बहुत बंदे को ऐसा लग रहा था कि लाइक अभी हायरिंग तो चल रहा है उनका, अभी रिसेंटली अभी ऑफ कैंपस मतलब अभी चल रहा है, तो आई गेस तुम लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह के प्रोसेस होने वाले हैं इन द फर्दर राउंड्स। और तुम लोग उस तरह प्रिपेयर भी हो जाओगे, उस तरह तुम लोग रिविजन कर रहे होगे। तो या दिस वॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस राउंड। एंड या लाइक Will you like to give any some final tips to our audience? And this will be very beneficial for them. हाँ, एक फाइनल टिप मैं देना चाहूँगा कि लाइक जब भी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करो, चाहे वो DSA बेस हो चाहे वो कोई HR क्वेश्चन हो, तो बोलने की प्रैक्टिस करो। लाइक मेरे को प्रॉब्लम थी पहले कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, कई बार क्लासेस में होता था, तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी कि लाइक जब भी मैं कुछ सोचता था, ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, ऑप्टिमल तक जा रहे ठीक है, प्रोसेस हो गए लेंदी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लाइक क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, क्या ऑप्टिमल सोचा, फिर उसके बाद क्या ऑप्टिमाइज किया, और ये पार्ट जब हो जाए कि आपने बोल के सॉल्यूशन को समझा दिया, उसके बाद दूसरों के सॉल्यूशन को भी देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी अच्छा हो। तो ये एक टिप है कि लाइक जो भी क्वेश्चन सोच रहे हो उसको बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में हेल्प होगा, और अगर एक बार क्वेश्चन कोई हो जाता है तो डायरेक्टली मूव ऑन नेक्स्ट पे ना कर लो, दूसरों के सॉल्यूशन भी एक बार देख लो जो बेस्ट पॉसिबल होते हैं सॉल्यूशन ऊपर के टॉप के, ताकि तुम्हें अप्रोच देखने को मालूम पड़े कि लाइक क्या क्या लोग और भी सोच रहे हैं। तो ये एक फाइनल टिप है या सो द मेन मेन थिंग थिंग। इज एक्सप्लेनेशन स्किल, राइट? सो एक्सप्लेन हाँ करना तो मैं आना चाहिए। लाइक व्हाट एवर यू आर थिंकिंग यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोस थिंग टू द पीपल टू हुम यू आर एक्सप्लेनिंग। अगर उस बाजू वाले एग्जैक्टली बंदे को समझ आ गया व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन, वो उसे समझ आ रहा मतलब या दिस इज अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, राइट? तो तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। लाइक बहुत लोग होते हैं कि मतलब वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं कोडिंग में, बट वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू वर्क इन अ टीम, और उसमें जो भी तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यूर वर्किंग इन अ टीम, यूर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में तुम्हारा क्या हो रहा है कि कुछ डिस्कशन हो रहा है, सो यू आर गेटिंग सम थॉट्स, तुम्हारे पास कोई अप्रोचेस आ रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन दोज थिंग टू योर टीम। अगर तुम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इफ यू डोंट हैव दोज एक्सप्लेनेशन स्किल्स इन यू, तो तुम यार एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बाजू वाले बंदे को समझ नहीं आएगा तुम्हारा अप्रोच, उनको नहीं समझ आ रहा होगा, तो यार यहाँ थोड़ा नेगेटिव हो एग्रीड। जाएगा, राइट? सो या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो या दिस वॉज एवरीथिंग इन दिस होल सेशन। आई गेस यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस सेशन। तो चलो मिलते हैं किसी ने, हाँ तुम्हें कुछ बोलना है लास्ट बोलो। वन की पॉइंट बैठ के अगर किसी को कोई और डाउट हो तो या तो लिंक्डइन पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, टाइम लग जाता है कभी कभी लेकिन कर देता हूँ। या तुम लोग, मैं सारा लिंक इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो एंड फॉलो हिम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो या दिस वाज एवरीथिंग। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके ऑडियंस, बाय बाय।